जय हिंद, जय भारत। दोस्त, मैं कौशिक सरकार हर रोज की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने आया हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये मेरा फुल टेक्निकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म है, जो कि आप जहां पे कोर्सेज सीखने जाने का मन बनाते हैं, उन लोगों से आप 1000 सेमिनार में, 1000 आप ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन जो डेमो क्लासेस है उनमें आप पूछते रहना, जैसे आपको प्लेटफॉर्म कैसे है, क्या है, क्या सिखाते, एक भी बात अगर आपको बता दिया तो मुझे बताना जो इन लोग मेरे को प्लेटफॉर्म दिखाया और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने ये चीज हमें सिखाएगा। ओके, तो चलिए दोस्त, जो भी दोस्त लोग आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखे, उसके बाद अगर अच्छा ना लगे तो लीव अवॉइड कीजिए चैनल को, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो चैनल को एक बार आपको फेसबुक में लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबा दीजिए, ताकि हर रोज मैं इसका वीडियो डालता हूँ। बीच बीच में मार्केट से जुड़ी हुई जो बात आपको काम आने वाला है इसका ऊपर भी वीडियो डालता है, इसीलिए कहूँगा तो पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिए, उसके बाद अगर अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, साथ साथ आपको फेसबुक में एक लिंक शेयर कर दीजिए। बाकी कुछ नहीं चाहते, मैं आप लोगों के फ्री में फुल प्लेटफॉर्म के साथ वीडियो डिस्कस करता हूँ। चलिए, कल मैं निफ्टी में क्या बताया था और आज क्या हुआ है। देखिए, कल जो देखिए हर रोज यहाँ से कम मैं 10 दिन से मैं जो लेवल आपको बता रहा हूँ निफ्टी में, वो लेवल हर रोज वही देखने को मिल रहा है। मैं कल बताया था एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग होने का चांसेस है, उसके बाद टारगेट जो निकल के आएगा वो 11,150 के आसपास तक का टारगेट निकल के आएगा। बिल्कुल 11,150 को टच किया और फिर पूरा दिन एक रेंज बाउंड रहा। अब कल के लिए क्या हो सकता है, देखिए जो मेरा ये प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो निकल के आ रहा है, एनालिसिस के हिसाब से जो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, उसके हिसाब से ये निकल के आ रहा है जो कल 11,150 के ऊपर अगर ओपन होने में सक्षम होता है, यहाँ जाने में सक्षम होता है, तो इसके बाद अगर सस्टेंस करता है 11,150 के ऊपर, मान लो 11,150 के ऊपर ओपन ही हुआ और ओपन होने के बाद वो नीचे ना आया, उसी जगह पे रुका और वहां से एक थोड़ा सा छोटा छोटा कदम में पॉजिटिव मूवमेंट चलता रहा, तो ये नेक्स्ट टारगेट जो बन के आता है वो 11,200 का, ठीक है जी, 11,200 के आसपास का एक टारगेट बना हुआ रहता है। तो मैं काफी दिन से आपको कह रहा हूँ कि 11,200 के ऊपर जब तक ना निफ्टी जाएगा तब तक हम निफ्टी में बुलिश साइड में नहीं रहेंगे, तो अभी भी मैं वही कहूंगा जब 11,200 को ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं होगा तब तक हम निफ्टी में इतना ज्यादा बुलिश नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्त। तो देखते हैं कल क्या होता है। मेरा हिसाब से जो टेक्निकल चार्ट है, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ये क्लियर हो रहा है कि 11,150 के ऊपर अगर ओपन हो, चाहे सस्टेंस करे, तो उसके बाद का लेवल 50 पॉइंट का 11,200 तक का जा सकता है, और अगर 11,200 के ऊपर, 11,250, 11,240 के ऊपर जिस दिन जाके क्लोजिंग होने का क्षमता रखेगा, उसके बाद से आपको 11,000 सीधा 11,300 की तरफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या होता है। तो ऑप्शन चेन देखने से पहले आप लोगों को मैं ये निफ्टी का एनएससी इंडिया का साइट ओपन करके दिखाता हूँ। जो एनएससी इंडिया का साइट है, यहाँ से आप लोग बहुत सारे कुछ मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप जो एडवांटेज और डिक्लाइन, इसको देख के आप मार्केट का हाल पता कर सकते हैं, 9 बजे हो कि 10 बजे हो, आज मार्केट किस तरफ जा सकता है, प्लस में रह सकता है कि माइनस में रह सकता है। अगर एडवांटेज का हिस्सा ज्यादा है तो आपको मार्केट एक पॉजिटिव जाने का उम्मीद रहता है, ठीक है। और यहाँ से देख के आप इंटरडे का स्टॉक चुन सकते हैं, या अगर मार्केट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में एक स्टॉक आप चुन सकते हैं, लेकिन आपके उसके लिए 15 मिनट का चार्ट और 1 घंटे का चार्ट, टेक्निकल चार्ट देखना आना चाहिए, ठीक है। आज जैसे मैं कॉल दिया था टाटा मोटर में, जो कि 116 रुपए के आसपास दिया था और होल्डिंग कॉल था कि 120 रुपए तक जाएगा, वो एक दिन में आपको टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ज्यादा कॉल नहीं देता हूँ और ना तो दूंगा, जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद से मैं टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यू कॉल देता रहूंगा। आज मैं बैंक निफ्टी के ऊपर कॉल दिया था जो कि 55 पॉइंट का था और 55 पॉइंट अगला 1 घंटे में अचीव हो गया था। आज मैं टाटा स्टील में कॉल दिया हूँ जो कि 352 के आसपास था और 352 के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है, यहाँ से मूवमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आपको कल परसों तक 2-3% का आप मूवमेंट और दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हम देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। तो ये हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन आ गया 29 अगस्त का, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, आप लोगों को पता है यहाँ पे पुट साइड से माध्यम से हम क्या ढूंढते हैं, सपोर्ट ढूंढते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट कहाँ बन के आ रहा है। देखिए 11,000 के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट बन के आ रहा है, आज सुबह से ही ये 11,000 के ऊपर सपोर्ट बना और 11,050 30 से लेके 11,000 के आसपास जाता फिर ऊपर,
गैराजार आसपास फिर ऊपर, ये पूरा दिन चलता रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन चलता रहा आज, क्योंकि 11,000 के ऊपर आज सपोर्ट था। ठीक है दोस्त, तो उसके ऊपर रेसिस्टेंस, देखिए ये सपोर्ट तो अभी है और कल के लिए भी यही सपोर्ट हमारे पास अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्त, अगर इसको ब्रेक करेगा, पहली बात तो ब्रेक करने का उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन मार्केट के बाद कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो उस बात को ध्यान रखते हुए आपको ये भी तय रखना है कि आपको कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अगर 11,000 को ब्रेक कर देता है तो आपको जो भी ऊपर का पोजीशन आप बनाए थे, देखिए ब्रेक का मतलब क्या होता है, आज भी ब्रेक किया था 10,990 10,980 के आसपास तक भी गया था, लेकिन उसको आपको सिचुएशन को देखना है कि यहाँ पे ये जो फिगर है, ये फिगर ही पे बरकरार रहा है कि ये फिगर और घट रहा है। अगर ये फिगर घट रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ से और निफ्टी नीचे जा सकता है। अगर दूसरे जगह पे आपको कोई फिगर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर यहाँ से स्लिप होकर फिर नेक्स्ट जगह पे जा सकता है। ठीक है दोस्त, ओके चलिए इसके साथ हम देखते हैं कॉल साइड में, जो कॉल साइड में कहाँ पे हमारे को रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे सबसे पहले 11,200 जो कि टेक्निकल चार्ट में आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे 11,200 पे हमें 7,00,000 का ओपन इंटरेस्ट देखते हम आ रहा है यहाँ पे, तो 11,200 का हम रेजिस्टेंस मानेंगे और 11,000 का सपोर्ट। तो इसके बीच में निफ्टी को आज भी घुमा था और कल भी घूमता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए इसके साथ साथ हम चलेंगे बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी का स्थिति जानने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को ओपन कर दिया, और ओपन करने से पहले आज का ओपन हाई लो देख लेते हैं। आज का ओपन बैंक निफ्टी का है, ओपन हुआ था 28,106 पे, हाई गया था 28,277, लो हुआ है 27,960। ठीक है दोस्त, और क्लोजिंग हुआ है 27,951 पे। ओके चलिए, लेकिन क्लोजिंग का डाटा गलत है दोस्त, ये क्लोजिंग का डाटा गलत है। ठीक है, यहाँ पे 28,106 पे ओपन हुआ है, और यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं 28,138 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। ठीक है दोस्त, ओके तो देखिए यहाँ भी सेम, मैं कल यही बताया था कि इसको ऊपर अगर जाता है तो एक चीज मैं बताया था कि ये टारगेट आपको 400 से 520 तक जा सकता है, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि ऑप्शन चेंज जब देखेंगे, अगर ये फिगर किसी जगह पे चेंज होता है, कल 27,500 पे यहाँ पे बड़ा सपोर्ट था और आज सुबह से 28,000 पे बड़ा सपोर्ट बन गया यहाँ पे, और ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ आपको 28,300 का क्रॉस ही नहीं करने दिया, जो कि आपको चार्ट में दिखाएंगे कि सुबह जो 15 मिनट का कैंडल बना था, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको सुबह का जो 15 मिनट का जो हाई बना था, फास्ट जो हाई बना था, इस हाई को पूरा दिन में ब्रेक नहीं कर पाया दोस्त। ठीक है, ये टेक्निकल जो क्लासेस होता है उसमें एक मेन पॉइंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्रॉस नहीं कर पाया तो इसलिए निफ्टी और आगे बढ़ नहीं पाया। अब कल क्या होगा दोस्त, कल क्या होगा इसको जानने के लिए हम बैठे हैं, तो देखेंगे कल क्या हो सकता है। देखिए यहाँ से अगर ये 28,300 को ऊपर ओपनिंग होता है, क्लियर क्लियर सुनिएगा दोस्त, 28,300 को ऊपर ओपनिंग होता है और वहां से अगर दोबारा 300 के अंदर का रेंज पे फंस नहीं जाता है, तो यहाँ से अब धीरे धीरे मूवमेंट होगा, तो सीधा यहाँ से 200 पॉइंट, जैसे कि मैं निफ्टी में बताया कि यहाँ से 50 पॉइंट आप, फिर बैंक निफ्टी भी यहाँ से धीरे धीरे 200 पॉइंट का मूव, यहाँ से 150 से 200 बिल्कुल गार्ड बन के मत रखिए, 150 से 200 पॉइंट का एक आप मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी यहाँ से मिल सकता है दोस्त। ठीक है, ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है, ना कि मैं किसी को यहाँ पे बाइंग या सेलिंग का सलाह देता हूँ, आप खुद सीखिए, खुद सीख के खुद का पैसा खुद का रिस्क में लगाइए। ठीक है, तो चलिए इसके साथ साथ हम देखेंगे ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। तो ऑप्शन चेन में हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम सपोर्ट ढूंढेंगे, तो 28,000 पे हमारे को आज सुबह से ही दिख रहा था और अभी भी यही दिख रहा है दोस्त। ठीक है, सुबह से ही यही सपोर्ट दिख रहा था और आज भी, अभी जब क्लोजिंग हुआ तब भी यही सपोर्ट दिख रहा है। ओके, और रेसिस्टेंस ढूंढेंगे, तो देखिए रेसिस्टेंस सीधा आता है हमारे को 28,500 पे, जो मैं कल भी बोला आपको और आज भी मैं यही बोल रहा हूँ, 28,500 के नीचे कोई बड़ा रेसिस्टेंस हमें नजर नहीं आ रहा है कोई खास, तो 28,300 के ऊपर अगर यहाँ पे 300 के ऊपर अगर रुकता है, ठीक है ये लाइन मैं थोड़ा सा मोटा करके दिखाऊंगा, ठीक है इसको ऊपर अगर रुकता है 28,300 के ऊपर, ठीक है इसको ऊपर अगर रुकता है, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट जो होगा
ये आपको 28,500 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है दोस्त, आपको क्लियर पता चल ही रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि सुबह आपको 100 पॉइंट का कि 150 पॉइंट का एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी मार्केट के बाद कोई 100% नहीं श्योर दे सकता है, तो इस चीज को देखिए और अजमाने की कोशिश कीजिए। चलिए बाकी हम स्टॉक की बात करें तो टाटा मोटर में एक अच्छा खासा आज बाइंग आया है। तो टाटा मोटर देखिए अगेन आपको बाई दे सकता है, अगर 22 से लेके 25 तक, 22 से लेके 25 तक का एक दोबारा अगर 22 के ऊपर है तो 22 से लेके 25 तक का एक मूवमेंट दिखा सकता है। नेक्स्ट अगर ये 27 के ऊपर जाकर सस्टेंस कर दिया, क्लोजिंग दे दिया, तो फिर यहाँ से ये मूवमेंट दिखाएगा ऊपर की तरफ, कहाँ ना 135 से लेके 40 तक के आसपास का दोबारा ये कुछ दिन में, आने वाले कुछ दिन में दिखा सकता है दोस्त। ठीक है, अगर इसके साथ साथ हम कोई और स्टॉक ढूंढे तो यहाँ पे स्टॉक का जिक्र करेंगे, टाटा स्टील, जो मैं आज लेवल दिया था उसी लेवल के ऊपर। कल अगर सेम अगर आपको 55 के ऊपर अगर ये सस्टेंस करता है तो इसके बाद ये आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा। 65 के बाद 55 के बाद ये 60 का लेवल फर्स्टली आता है, फिर इसके बाद आपको धीरे धीरे नेक्स्ट जो 65 या 67, फिर अगर 70 के ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है, 71-72 के ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है, फिर एक अच्छा खासा मूव इसमें भी आ सकता है। देखिए मैं कल भी बताया था कि जब निफ्टी फॉलिंग हुआ था, फॉल में जो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा है, अब निफ्टी अगर चढ़ रहा है तो जो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा है वो स्टॉक सबसे ज्यादा चढ़ेगा, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी इसके अंदर और क्या देखना चाहिए, जो स्टॉक कोई रेंज पे फंसा हुआ था उस रेंज को जब ब्रेक करेगा तो उसके बाद नेक्स्ट रेंज जो ढूंढेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बात हमारा वीडियो में आपको जानते हुए मिलेगा, सीखते हुए मिलेगा। और अगर अच्छा से सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लास आपको दिखाई दे रहा है नीचे ब्लिंकिंग होता हुआ, 7 सितंबर से है, जो कि सिर्फ 5000 फीस में है। देखिए 5000 फीस में क्यों रखा हूँ, बड़े बड़े फीस वाले हैं, 10000 है, 20000 है, 50000 है, लेकिन आप बोलेंगे आपका शायद क्लास इतना हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड, ज्यादा कुछ सिखाएंगे नहीं। मेरा पुराने जो स्टूडेंट है सबसे आप पूछ सकते हैं क्लास में क्या सिखाते हैं, किस तरह का सिखाते हैं। जो 30-40 हजार रुपया का भी कोर्स करते हैं उनमें भी जहां तक मैं सिखाता हूँ पता नहीं उससे ज्यादा सिखाता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जितना चीज आप लोगों को सिखाता हूँ ये काफी है। ठीक है, 30-40 हजार से भी ऊपर वाला फीस है, लेकिन जिन भाइयों को इतना पैसा इकट्ठा करने में दिक्कत आता है कि इतना पैसा हाथ से छोड़ने के लिए थोड़ा वो होता है, उनके लिए मैं 5000 फीस वाला कोर्स रखता हूँ। अदरवाइज आपका मर्जी, आप सीखें। और यहाँ तक अच्छा लगा है तो एक बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब, देखिए लाइक का बटन एक एक बार दबाएंगे तो मुझे अच्छा लगता है कि इतना लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्त, तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।